अरेंजमेंट्स के हवाले से आप देख ही रहे होंगे ऑलमोस्ट सारे डिपार्टमेंट्स की प्रेजेंस है यहाँ पर, जो भी जुलूस के सिलसिले में जिनको अरेंजमेंट की करने की ज़रूरत थी, चाहे उसमें बिजली का महकमा हो, पानी का, पीएचई वालों का फायर टेंडर इन प्लेस है, मोबाइल लेबोरेटरीज इन प्लेस है, अनइंटरप्टेड वाटर सप्लाई है, ट्रैफिक डाइवर्जेंस है, सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स है, एम्बुलेंसेज आप देख रहे हैं, एम्बुलेंस फुली इक्विप्ड एम्बुलेंसेज है विद ऑल मेडिकल पैरामेडिकल स्टाफ, हर कोई सुविधा गवर्नमेंट की ओर से मुहैया है। क्या रहेगी इस जुलूस का इंतजाम होने की? ये मगरिब की अजान तक जो हमें इनका प्रोग्राम मिला है, कम से कम ये मगरिब की अजान तक ये रहेगा और उसके बाद ट्रैफिक डाइवर्जन जो इन प्लेस है उसको हटा के ट्रैफिक हम रेस्टोर करेंगे। ट्रैफिक जो डाइवर्शंस है एक ऐसा स्टेप है जो अनअवॉइडेबल है और जितना हो सका हमने आज काफ़ी देर तक कोशिश की कि ट्रैफिक को इसी रूट से चलाया जाए। आधे दिन तक, कम से कम 1 बजे तक हमने इसी रूट से ट्रैफिक चलाया ताकि लोगों को कम से कम दिक्कत का सामना करना पड़े। और जहाँ तक ट्रैफिक डाइवर्जन्स का सवाल है, ट्रैफिक के हवाले से जो एडवाइजरी आई वो काफ़ी एडवांस में आई और उसको काफ़ी सर्कुलेट भी किया ताकि सब लोग अवेयर हो जाए, ताकि दिक्कत का सामना ना करना पड़े। पब्लिक का ताउन क्या रहा एडमिनिस्ट्रेशन के साथ? पब्लिक बहुत ही अच्छा ताउन रहा। जिस ऑर्गेनाइजेशन ने ये आज का जुलूस का एहतमाम किया है उनकी और उनके वॉलंटियर्स भी हैं रोड पर, जो कि बिल्कुल शाना बशाना हमारे साथ खड़े होकर कोऑपरेट कर रहे हैं और ताकि ये सक्सेसफुली सारा जुलूस चले और इख्तिताम तक पहुँचे। थैंक यू।